सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बार्सिलोना के बारे में बातचीत करेंगे। बार्सिलोना का जो पिछला मैच हुआ एथलेटिको बिलबाओ के खिलाफ, उसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। थोड़ा इंजरी रिपोर्ट जा रहे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और आने वाले सीजन में यूसीएल के मैचेस एंड बार्सिलोना को आने वाले जो फिक्चर्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करेंगे। देखो, बार्सिलोना एक ऐसा टीम है, देखो पिछले साल बार्सिलोना ला लीगा जीत के आया था, बहुत कंफर्टेबली जीत के आया था। बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन था, इवेंचुअली मेरा भी प्रेडिक्शन था ये कि इस साल भी ला लीगा बार्सिलोना आराम से उठाएगा, क्योंकि रियल मैड्रिड उतना स्टेबल नहीं लग रहा था सीजन स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि देखो, बेंजेमा चला गया था, उसके बाद नंबर हम लोगों ने साइन नहीं किया, जोशेलू लेके आए थे बेंजेमा के रिप्लेसमेंट पे, बेंजेमा का रिप्लेसमेंट जोशेलू तो नहीं हो सकता। उसके बाद एदर मिलितो का बोलो या फिर कुर्तुआ का बोलो, इंजरी हो गया था, लॉन्ग इंजरी हो गया था। तो इवेंचुअली बार्सिलोना का खेमा या फिर बार्सिलोना का पलड़ा बहुत ही ज्यादा भारी था। हम लोगों ने आराम से प्रेडिक्ट किया था कि पिछले साल भी कंफर्टेबली बार्सिलोना जीता था, इस साल भी कंफर्टेबली बार्सिलोना जीतेगा, क्योंकि बार्सिलोना का स्क्वाड डेप्थ ज्यादा अच्छा हो गया है। पेड्री, गावी बोलो या फिर जाओ फेलिक्स बोलो या फिर जाओ कंसेलो बोलो, अच्छे अच्छे प्लेयर को लेके आए थे। उनका एक नंबर 6 का एक प्रॉब्लम था, लेकिन उसके बाद बाकी के सारे प्लेयर्स इनफॉर्म भी थे। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की भी पिछले साल बहुत भर भर के गोल मारे थे, तो एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन था। लेकिन इवेंचुअली ये साल बार्सिलोना बोलो जावी का बोलो उतना अच्छा हुआ नहीं, मोमेंटम धीरे धीरे खराब हुआ। ला लीगा का रेस बताओ या फिर आप कोपा डेल रे बताओ या फिर सुपर कप बताओ, सारे जगह पे कहने कि धीरे धीरे बार्सिलोना पीछे होने लगा। कोपा डेल रे सब इवेंचुअली बाहर है, सुपर कप भी नहीं जीत पाए, एंड ला लीगा में भी अभी उतना मतलब पॉजिटिव सिचुएशन में ही नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली क्वेश्चन बन रहा था वैलेंसिया के साथ जो रियल मैड्रिड का ड्रॉ हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन बन रहा था कि जिरोना और बार्सिलोना ये पॉइंट डिफरेंस थोड़ा कम कर सकता है रियल मैड्रिड से, लेकिन इवेंचुअली वो हुआ नहीं। जिरोना भी अपना मैच हार गया और बार्सा भी एथलेटिको बिलबाओ से ड्रॉ करवा लिया, पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया। तो रियल मैड्रिड के ऊपर जो प्रेशर बन सकता था वो अभी इवेंचुअली हुआ नहीं। अब बार्सिलोना रियल मैड्रिड से 7 पॉइंट्स और जिरोना अभी 8 पॉइंट पीछे, तो अभी भी वो ला लीगा का जो रेस अभी ओपन हुआ नहीं, अभी भी रियल मैड्रिड एक तरफा फेवरेट है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि बार्सिलोना क्या क्या नहीं कर पाए सीजन में। देखो, आने वाले सीजन में अगर कुछ पॉजिटिविटी चाहिए बार्सिलोना खेमे को या फिर बार्सिलोना फैंस को, अभी बार्सिलोना देखो ला लीगा में एक्टिव नहीं है, अब सिर्फ जावी को फोकस करना पड़ेगा यूसीएल में। देखो, यूसीएल में अगर बार्सिलोना सेमीफाइनल में आ जाता है तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव कैंपेन बार्सिलोना से बोल सकते। तो देखो, ट्रॉफी नहीं मिला, लेकिन यूसीएल का सेमीफाइनल इज नॉट बैड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंजरी। देखो, एथलेटिको बिलबाओ के मैच ड्रॉ हुआ तो ठीक है, लेकिन उस मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज बार्सा के साथ हुआ, दैट इज फ्रेंकी डी योंग का इंजरी, दैट इज पेड्री का इंजरी। देखो, बार्सिलोना का सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट था दैट इज मिडफील्ड। मिडफील्ड में उनका स्क्वाड डेप्थ बताओ, मिडफील्ड में उनका क्रिएटिविटी बताओ, मिडफील्ड में उनका नंबर बहुत ही अच्छे थे। स्पेशली आपका फर्मिन लोपेज बोल के एक मिडफील्ड में ऐड हुआ था बंदा, गावी, पेड्री, गुंडोगन, फ्रेंकी डी योंग, ये सारे लोग तो थे। लेकिन अभी मिडफील्ड का ही बार्सिलोना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आप जानते हो गावी पूरे सीजन के लिए बाहर है, पेड्री भी 1 महीने के लिए बाहर हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंकी डी योंग का भी एक सीरियस इंजरी हो गया है। मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रेंकी डी योंग को भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये क्या है, एथलेटिको बिलबाओ के साथ हम लोगों ने देखा जब फ्रेंकी डी योंग और पेड्री खेल रहे थे, पहले 20-25 मिनट बार्सिलोना कंफर्टेबल लग रहा था कि गोल थ्रेट बन सकते, लेकिन जब पेड्री और आपका डी योंग का इंजरी पहले हुआ, डी योंग का इंजरी आई थिंक 28 मिनट में हुआ, पेड्री का इंजरी आई थिंक 45 मिनट के अराउंड हुआ, जब फ्रेंकी डी योंग और पेड्री गए, फिर गुंडोगन को पीछे आना पड़ा, मतलब वो डीप प्ले में खेलना पड़ा। अब गुंडोगन को अगर पीछे बुलाओगे, सेंटर बैक से बॉल लेने के लिए बुलाओगे, डीप प्ले में बुलाओगे, होल्डिंग मिडफील्डर करके गुंडोगन को खिलाओगे, तो भाई गुंडोगन को आप मार दे रहे हो, उसका फुटबॉल को आप मार दे रहे हो, उसका मौत हो जा रहा है फील्ड पे, ठीक है ना। क्योंकि गुंडोगन को आप अगर फ्रीडम नहीं दोगे, गुंडोगन को आप बॉक्स में एंट्री करने के लिए नहीं दोगे, आप उसको बोलोगे भाई बॉल होल्ड कर, तो भाई गुंडोगन का सही इस्तेमाल नहीं करो, जो बार्सिलोना नहीं कर पाएगा अभी आने वाले 1 महीना जब तक पेड्री और डी योंग नहीं आते। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉब्लम ये भी है कि आने वाले जो 2-3 मैचेस है बार्सिलोना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस है। क्योंकि देखो, मैंने बोला कि यूसीएल इज द ओनली मोटिवेशन फॉर बार्सिलोना फैंस, यूसीएल में अभी नेपोली के खिलाफ जो मैच किल हो जाना चाहिए था, हम लोगों ने रिव्यू में किया था कि नेपोली उतना फॉर्म में नहीं था, 9th पोजीशन पे था नेपोली, राइट, एंड नेपोली बहुत ही खराब खेल रहा था, लेकिन बार्सिलोना इवेंचुअली वो मैच 1-1 ड्रॉ करके आया, एंड इवेंचुअली किल नहीं किया, अभी तक वो लीग अभी तक ओपन है, राइट। एंड बार्सिलोना का अगला जो 3 मैच है, दैट इज मेलोर्का के साथ उनका होम मैच है, उसके बाद नेपोली को होस्ट करना पड़ेगा यूसीएल में, उसके बाद मेट्रोपोलिटन में जाना पड़ेगा एथलेटिको मैड्रिड के साथ खेलने के लिए। तो ये जो 3 मैच है, ये 3 मैच में बार्सिलोना का मोमेंटम बहुत ही खराब हो सकता है, या फिर बार्सिलोना कमबैक कर सकता है। लेकिन बार्सिलोना के पास ये भी थ्रेट है कि इंजरी का थ्रेट। अभी बार्सिलोना के पास देखो अच्छे अच्छे प्लेयर्स तो बहुत है, देखो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की बताओ,
एक अच्छा गोल स्कोरिंग मशीन है, पिछले साल पीछे विनर भी था, लेकिन इस साल बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। यमाल बताओ या फिर आप छोटे छोटे जितने सारे प्लेयर्स है, कुबार्सी बताओ, ये सारे प्लेयर्स के ऊपर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश करोगे तो वह प्रॉब्लम होगा। देखो ये है आपका पेड्री, देखो ये पिछले सीजन में बोला जा रहा था कि आने वाले सीजन में बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होगा, आने वाले सीजन में जाबी या इनिएस्ता हो सकता है। देखो प्रॉब्लम यही है बार्सिलोना के पिछले 2-3 साल से, पॉइंट क्या है कि हर एक लामासिया प्रोडक्ट के ऊपर आप इतना प्रेशर नहीं दे सकते। अगर हर एक लामासिया के प्रोडक्ट के ऊपर, यंग प्लेयर्स के ऊपर, 18-19 साल के प्लेयर के ऊपर आप सोशल मीडिया हाइप करके उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो पेड्री जैसा हालत होगा। देखो पेड्री कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिडफील्डर इन ऑल ओवर फुटबॉल, इसमें कोई डाउट नहीं है। गावी के पास अल्टीमेट टैलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गावी, पेड्री, यमाल, कुबार्सी, ये सारे प्लेयर्स को अगर आप नेक्स्ट पुअल, नेक्स्ट बुस्केट्स, नेक्स्ट मेसी बनने का प्रोजेक्ट दोगे या फिर वो प्रेशर बिल्ड करोगे तो हर एक बंदा आपका फाती निकलेगा, हर एक बंदा आपका इंजरी प्रोन बनेगा, हर एक बंदा आपको 2-3 साल के अंदर खो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बार्सा प्लेयर्स बोलो या फिर बार्सा फैंस बोलो, उनको ये एक प्रोसेस की तरह लेना चाहिए कि भाई सडनली आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो अगर आप चाहते हो कि भाई वो मेरा 2009 का या 2010 का बार्सा आ जाए तो भैया वो आ सकता है, बट अभी तो आ सकता है, लेकिन उसको उसके लिए एक प्रोसेस चाहिए, 3-4 साल का प्रोसेस चाहिए। और मुझे लगता है कि बार्सिलोना का जो फेलियर से या फिर बार्सिलोना का जो ये इंजरी का रिपोर्ट है या फिर बार्सिलोना के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है उसमें फैंस का बहुत ही ज़्यादा एक हाथ बोलो या फिर इम्पेशनमेंट है कि भाई हमें जल्दी जल्दी से वो हमारा गोल्डन एज चाहिए। एंड दैट सेम गोज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कि भाई हम लोगों को गोल्डन एज चाहिए। अभी गोल्डन एज चाहिए तो चाहिए, लेकिन आपको 2-3 साल का एक प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि जाबी 1 साल पहले आपको ला लीगा जीता है और जाबी आज के टाइम में सैक होने वाला है, मतलब बट अभी सैक हो ही गया, वो डिक्लेयर कर चुका है 2-3 महीने बाद वो चला जाएगा। तो भाई यार एक मैनेजर उसी टीम के साथ बट अभी बेटर टीम के साथ, क्योंकि जाओ फिलिक्स बोलो, जाओ कंसेल बोलो, ये सारे लोग इंक्लूड हुए, तो यमाल बोलो इंक्लूड हुए, कुबार्सी बोल इंक्लूड हुए, तो ये सारे प्लेयर्स के साथ इतना खराब कैसे हो सकता है? तो बट ऑब्वियस मेंटेलिटी बताओ या फिर प्लानिंग बताओ उसमें कुछ गलती है, क्योंकि सडनली तो ये ऐसा नहीं हो सकता। जाबी को अब पिछले सीजन कोचिंग बहुत बढ़िया तरीके से आता था, अभी कोचिंग बंदा भूल ही गया, मतलब आप बोल लो कि भाई विदाउट क्रिएटिव प्लेयर, जाओ कंसेलो बोलो, जाओ फिलिक्स बोलो, ये सारे प्लेयर्स विदाउट क्रिएटिव प्लेयर बहुत बढ़िया था बार्सिलोना, ये सारे क्रिएटिव प्लेयर है कि बार्सिलोना खराब हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। गुंडोगन आया उसके बाद, तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स जाबी के पास है, एंड जाबी के पास भी वो पोटेंशियल है, हो सकता है जाबी आपको यूसीएल नहीं जिता सकता, जाबी आपका ग्लोरी डेज नहीं बैक करवा सकता, लेकिन जाबी एज अ मैनेजर क्या आपका एक स्टेबिलिटी बना सकता था। लेकिन एक अनस्टेबिलिटी जाबी ने ये बोला भी कि जाबी को जब बोला गया कि सर एलेक्स फर्गसन फिर से क्या बन सकता है किसी क्लब में, तो उसने बोला था कि भाई बार्सिलोना में नहीं बन सकता, क्योंकि एलेक्स फर्गसन भी पहला 3-4 साल उतना कुछ जीता नहीं था यूनाइटेड से, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया सारे पीछे नहीं पड़े थे। लेकिन आज के टाइम में आप 2-3 मैच में अगर कुछ करते हो, 3-4 महीने के खराब पैचेस आते तो सोशल मीडिया आपको निचोड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, पर अननेसेसरी प्रेशर पुट किया जाएगा, और इसी तरीके से प्लेयर्स बताओ या फिर क्लब बताओ वो मोमेंटम नहीं कर पाता है, क्योंकि फुटबॉल इज़ नॉट अ मतलब लॉटरी भैया, आप एक टिकट खरीदे और अगले दिन आपका टिकट लग गया और आप करोड़पति बन गए। भाई फुटबॉल इज़ अ मतलब इंसानों का खेल है भैया, आप एक प्लेयर बना रहे हो, उस प्लेयर का स्किल बताओ, मेंटेलिटी बताओ, सारा चीज़ ठीक ठाक होने में कम से कम 2-3 साल लगते हैं, एक प्रोजेक्ट लगता है, जो देखो आर्सेनल कर रहा है आर्टेटा के अंडर में, लिवरपूल कर रहा है क्लॉप के अंडर में, जो किया पिछले 6-7 साल में, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन आप अगर प्रोसेस फील नहीं कर सकते, आप अगर सडनली सक्सेस चाहते हो, ओवरनाइट सक्सेस चाहते हो, तो भैया होगा नहीं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने बोला कि पॉजिटिव पॉइंट अभी है या मोटिवेशन पॉइंट अभी एक ही चीज़ दैट इज़ यूसीएल, लेकिन यूसीएल में भी कुछ क्वेश्चन वगैरह है। देखो बार्सा का ऑलरेडी होम रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा है, वीआरएल के खिलाफ 5-3 से लॉस हुआ था, ग्रानाडा के खिलाफ भी ड्रॉ हुआ था, बहुत छोटे छोटे टीम के साथ भी बार्सिलोना होम पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखा था। और पिछले अगर 5-6 साल पहले की बात बताओ, बार्सिलोना का एक दबदबा था अपने कैंप न्यू में, ऑल दो कैंप न्यू अभी बार्सिलोना का होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी होम ग्राउंड में बार्सिलोना उतना कंफर्टेबल नहीं दिखा। और टेंशन की बात ये है कि नेपोली जो 15-20 दिन पहले बहुत ज़्यादा क्रम्बल कर रहा था, सडनली नेपोली भी फॉर्म में आते हुए, क्योंकि 9th पोजीशन पर था नेपोली, या नेपोली का बैक टू बैक 3 मैनेजर सैक हुआ था एक सीजन के अंदर। लेकिन नेपोली की अगर आप पिछले 2 मैच का रिजल्ट देखो तो ससोलो को उन्होंने 1-6 से हराया है, ठीक है ना, 6 गोल पहले, उसके बाद दैट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग विन की बहुत डोमिनेट करके जुवेंटस को उन्होंने होम पे 2-1 से हराया, जो जुवेंटस अभी 2nd पोजीशन पर आई थिंक। तो नेपोली भी धीरे धीरे आपका फॉर्म में आते हुए, और बार्सा के पास नेपोली के खिलाफ 2 मेन मिडफील्डर नहीं रहेंगे, दैट इज
फ्रेंकी डी योंग एंड आपका पेड्री। तो गुंडोगन को कैसे यूज़ करेगा या फिर अपफ्रंट में कैसे यूज़ करेंगे या फिर लेवांडोव्स्की अपना फॉर्म दिखा पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये ब्लेम पूरा जावी के ऊपर नहीं होना चाहिए, देखो आपके पास प्लेयर्स नहीं है फाइन, लेकिन आपको बड़े मैच में बड़े प्लेयर्स जितने सारे हैं, अब बताओ अराहो बताओ, जो कंसेलो बताओ, आप लेवांडोव्स्की बताओ या फिर गुंडोगन बताओ, सारे लोगों को स्टेप इन करना पड़ेगा। आप सारा बिल आप मैनेजर के ऊपर नहीं फार सकते, तो देखना पड़ेगा जावी बताओ या फिर अपने बार्सा का जितने सारे प्लेयर थे कैसे एंटीसिपेट करते हैं और आने वाली यूसीएल में क्या प्रोग्रेस होता है। तो आप जितने सारे बार्सा फैन ये वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये सारे अनस्टेबलनेस के लिए किसको ब्लेम करोगे, प्लेयर्स को ब्लेम करोगे, मैनेजमेंट को ब्लेम करोगे कि पूरा बिल आप जावी के ऊपर ही फाड़ोगे। एंड आने वाले सीजन में यूसीएल में बार्सा को आप कहाँ पे देखना चाहते हो या फिर आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल में जा पाएगा बार्सिलोना या फिर जावी, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर लिखना। एंड मिलते अगले वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।